यार गाइस कैसे हो सब, उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आपने पिछले वीडियो देखा कि स्मूथ गियर शिफ्टिंग किस तरह से की जाती है, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जब भी स्मूथ गियर शिफ्टिंग करनी है तो आपको करना क्या है कि आपको जो स्पीड बताई थी मैंने उसके हिसाब से जो है गियर शिफ्ट करने है, जिससे आपकी बाइक पे जरक नहीं पड़ेगा और इंजन आपका बिल्कुल सही रहेगा और जिससे आपकी माइलेज भी अच्छी निकलेगी। तो दूसरा तरीका क्या होता है, जब आप बिगनर होते हैं तो वो फर्स्ट तरीका अपनाना है, और जो आज मैं सेकेंड तरीका बता रहा हूँ, जब आप प्रो बन जाओगे ठीक है, आपको अच्छी खासी बाइक चलानी आ जाएगी, तो आपने दूसरा तरीका जो है अपनाना है ठीक है, जिससे क्या होता है कि इंजन की साउंड सुन के जो आप गियर चेंज कर सकते हो ठीक है। तो इंजन की साउंड सुन के आप बोलोगे कि ऐसे गियर चेंज करने हैं, तो मैं बताता हूँ कि जैसे आपका आरपीएम हाई जाएगा, आपको इंजन से आवाज़ आएगी, तो आपकी क्या है कि बाइक जो है गियर अप मांग रही है, जैसे सेकंड पे होगी तो थर्ड मांग रही है ठीक है। जैसे इंजन की आवाज़ चेंज होगी ठीक है, हैवी होगी, तो आपको जो है गियर चेंज करना है ठीक है। और जब आपको ये कैसे पता करना है कि मेरी मतलब इसी जैसे सेकेंड गियर है या थर्ड गियर पर बाइक चल रही है, तो आपकी बाइक की जो स्मूथ आवाज़, अगर आपकी बाइक की जो आवाज़ स्मूथ होगी तो आपको उसी ही गियर पे चलना है, और आपकी बाइक की आवाज़ जो है हाई हो जाएगी, इंजन रैप करने लगेगा ठीक है, हूँ करके आवाज़ आएगी, तो आपको जो है गियर चेंज कर लेना है। और जब डाउन शिफ्ट करना है, डाउन शिफ्ट करने के कार जब डाउन शिफ्ट करते हैं, तो डाउन शिफ्ट करते टाइम आपको ध्यान देना है कि जब बाइक की जो बाइक है आप एक्सलेट ले रहे हो पर एक्सलेट हो नहीं पा रहा है, जैसे आप एक्सलेट करोगे तो बाइक की स्पीड नहीं बढ़ेगी, तो आपको जो है डाउन शिफ्टिंग कर देना है, और बाइक की ना खटखट करने की आवाज़ आ जाती है ठीक है। तो आपको समझ जाना कि आप जो बाइक जो है डाउन शिफ्टिंग मांग रही है, तो आपको मैंने अभी एक बार करके बता देता हूँ। यहाँ से मैं लूँगा यू टर्न ठीक है, और आपको ये तरीका भी करके बताऊँगा। और जितने भी मैक्सिमम राइडर वगैरह जो भी बाइक चलाते हैं, जो बाइक चलाना सीख जाते हैं, वो जो है स्पीड पे ध्यान नहीं देते। जैसे मैं फर्स्ट गियर है, मैंने सेकंड जो है चेंज कर लिया ठीक है, और अभी मेरी बाइक यहाँ तक स्मूथ चल रही है, और अभी आरपीएम जो हाई जा रहे हैं, तो मैं थर्ड गियर लगा लिया ठीक है। आप देख सकते हो कि आरपीएम हाई गए और मैंने थर्ड गियर लगा लिया, अभी जो है बाइक बिल्कुल स्मूथ चल रही है, क्योंकि मेरी इंजन जो है शोन नहीं कर रहा है ठीक है। जैसे ही मेरा इंजन शोन करने लग पड़ेगा, मुझे पता चल जाएगा कि मेरी बाइक जो है गियर मांग रही है ठीक है। अभी जो है बाइक जो है गियर मांग रही है, तो अभी 45 तक है और ये 4 ठीक है, देख सकते हो अभी मेरे 4th गियर पे बाइक चल रही है और बिल्कुल स्मूथ चल रही है ठीक है, जिससे माइलेज भी अच्छी निकलती है, इंजन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पे मोड़ है ठीक है, तो मोड़ पे मैं क्या करूँगा, क्लच को छोड़ा हुआ है और ब्रेक नहीं ली, हल्का सा एक्सीलेटर कम किया ठीक है। अभी मेरी बाइक जो है 4th गियर पे ही चल रही है, और आगे आप देख सकते हैं कि एक मोड़ आ रहा है टर्न ठीक है, और सामने से बस भी आ गई है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गियर जो है डाउन करने पड़ेगा, क्योंकि मेरी बाइक जो है जो स्पीड कम हो गई थी ठीक है। और जैसे ही मेरी बाइक अभी रेस ली और आरपीएम हाई गए और थोड़ी सी आवाज़ आई, तो मैं क्या करूँगा, 4th गियर जो है लगा लूँगा ठीक है, जिससे जो है डाउन शिफ्टिंग और अप शिफ्टिंग बहुत अच्छी तरीके से होती है ठीक है। आपको बस इंजन के साउंड पे ध्यान देना है, जैसे ही साउंड चेंज हो जाएगा आपको क्या करना है, बाइक का गियर चेंज कर लेना है, और जैसे ही साउंड अगर स्मूथ चल रहा है तो आप उसी ही गियर पर बाइक को चला सकते हैं। और जैसे अभी जो है 45 पे चल रही है, 4th गियर पे चल रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बाइक जो है स्मूथ चल रही है, अभी मेरी बाइक पे इंजन पे लोड नहीं है, इंजन पे लोड नहीं देना है आपको ठीक है। तो जैसे हल्की सी स्वीप अगेन की मैंने, तो अभी इंजन पे लोड आने लग पड़ा, तो मैंने किया कि ये 5th गियर लगा लिया, अभी मेरी ये 50 से कम नहीं स्पीड है ठीक है, आप देख सकते हो 50 से कम है ठीक है, तो बिल्कुल मक्खन तरीके से चल रही है। और अभी मैं आपको डाउन शिफ्ट करके बताऊंगा ठीक है, जैसे मैंने ये की ठीक है स्पीड कम कर ली, जैसे ये स्पीड कम हो रही है, तो मुझे अब लग रहा है कि मेरी रेस बाइक नहीं ले रही है, तो मुझे 4th डाला ठीक है, तो अभी बिल्कुल स्मूथ होगी ठीक है। और अभी थोड़ी सी और कम होगी स्पीड, देख सकते हो मैंने थोड़ी सी और कम की, तो मुझे क्या करना पड़ा, 3rd गियर लाना पड़ा, और जैसे मैं 3rd गियर डाला और एक्सलेट लिया, वो बाइक जो बिल्कुल मक्खन तरीके से चलने लग पड़ी ठीक है। आपको इंजन के साउंड पे ध्यान देना है, जिससे आपकी ना गियर शिफ्टिंग की प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगी ठीक है। अभी इंजन रैप कर रहा है, तो मुझे 4th गियर लगाना पड़ा ठीक है। अगर आप बाइक चला रहे हो ठीक है, आप इंजन की साउंड पे ध्यान दोगे ना, तो आपको गियर डालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आई होप गाइस आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस।